ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है ना? ठीक है। तो इसमें देखिए आपका डायग्राम में लिखा हुआ है कि कितना एरोबिक में एनर्जी कंज्यूम होता है और कितना एनएरोबिक में। तो देखिए नीचे लिखा भी है टोटल एनर्जी इन एनर्जेटिक्स इन एरोबिक पाथवे। देखिए 1 ATP फर्स्ट स्टेप में, 1 ATP से लेके 1 ATP आपका फर्स्ट स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में, फिर प्लस 6 ATP बाई 2 NAD सिक्स स्टेप में। ठीक है, दिख भी रहा है 2 NAD सिक्स स्टेप में, प्लस 2 ATP आपका 7 स्टेप में, और 2 ATP आपका 10th स्टेप में। तो ओवरऑल हमारा 8 ATP इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे सभी को 2, 4, 6, 6, 4, 8 अगर ATP सिर्फ देखते हैं, ठीक है, ATP अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ग्लूकोज के ऊपर जो ATP है, उसके बाद आपका इधर ATP से ATP जब चेंज हो रहा है तो 4 ATP है, 4 2 6 और नीचे 2 ATP, तो मतलब टोटल 8 ATP हमारा एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है एनर्जी के मामले में। ठीक है, फिर ऐसे बी स्टेप में देख लेते हैं। बी स्टेप में क्या है हमारा, ये अभी तक हम एरोबिक की बात कर रहे थे, एनएरोबिक की बात करते हैं तो उसमें देखिए स्टेप वन में 1 ATP, स्टेप थ्री में 1 ATP, 2 और 6 ATP आपका NAD स्टेप सिक्स में है। ठीक है, और फिर 2 ATP आपका स्टेप सेवन में है, 2 ATP स्टेप टेन में है, 6 ATP आपका क्या कहते हैं इसमें है, स्टेप लास्ट स्टेप PA2LA, इसमें सब जब घट के जब आपका कंज्यूम भी होते हैं, निकलते भी हैं, फिर कंज्यूम होते हैं, तो ओवरऑल हमारा 2 ATP हो रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ कितने लोग हैं आज, मैक्सिमम है ना 28, मुझे लेके 29 है। ठीक है, तो बात करेंगे सिग्निफिकेंस इसका। अब साइकिल, इसका सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और इसको कहते हैं, क्या नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, क्रेब साइकिल, TCA साइकिल, तो किसी भी नाम से आ सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, TCA साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले देखो सबसे अच्छा चीज है इसमें 1, 2, 3, 4 करके मार्किंग किया गया है, ये दिख रहा है ना, विजिबल है। yes, विजिबल है ना, तो इसमें 1, 2 इसीलिए लिखा गया है कि सबसे पहले क्या है, फिर सेकंड स्टेप पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, थर्ड स्टेप में क्या कन्वर्ट हो रहा है, फोर्थ स्टेप में क्या आ रहा है, और इधर जो यूं सर्कल में एरो करके दिया गया है तो वो कितना को एंजाइम उसमें लग रहा है। ठीक है, को एंजाइम, आइसो एंजाइम्स या एनर्जी कितने लग रहे हैं उसमें, ये सारे चीज एरो जो तिरछे में करके एरो दिया गया है, जैसे NAD प्लस, NADH, फिर आपका ये यही सारे जो हमारा है FADH ऐसे करके है, GTP, GDP प्लस PI, ये सारे क्या है को एंजाइम्स या आइसो एंजाइम्स है या एनर्जी के भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के फॉर्म में कैसे चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम्स। ठीक है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस पाइरूवेट इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। एंटर्स यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ENTER है, एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो दूसरा है पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। ठीक है,
अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, पाइरूवेट है सबसे पहला ऊपर देखेंगे, फिर इसमें कोए मतलब कोएंजाइम ए, कोए CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस आपका NADH में कन्वर्ट हो रहा है, उसके हेल्प से हमारा क्या बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है, यही है हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर हमारा सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है कि एसिटाइल कोए किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए दिस स्टेप कैटलाइज्ड बाय पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दिस रिएक्शन इज लिंक्ड बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर तीसरा लिखेंगे, देखिए अब हम अभी कुछ मत देखिए, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, फिर हमारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, फिर हमारा किस में हो रहा है, एसिटाइल कोए से ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, किसके हेल्प से, कोएंजाइम ए और S2A के हेल्प से, दिख रहा है ना, विजिबल है ना, अब यहीं से वन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पे 2A2B है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिख रहा है ना 2A2B, ये जूम हुआ है, सबको दिख रहा है ना, तो इसे जूम ही रहने देते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटेट, ये इसमें ऑक्सैलो एसिटेट नहीं है, ये है देखिए 2A पे आपका सिट्रेट हो रहा है, ठीक है, सिट्रेट हो रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया, सिट्रेट से आपका क्या हो रहा है, सिस एकोनिटेट, ठीक है। फिर किसके हेल्प से हो रहा है, इसमें H2O रिलीज हो रहा है, फिर इधर क्या हो गया, आइसोसिट्रेट, या आपको कुछ कंफ्यूजन रहे तो सीधे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई वेटिंग में तो नहीं है, वेटिंग में तो नहीं है, ठीक है, तो सिट्रेट से सीधे हम आइसोसिट्रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2A2B मतलब दो पार्ट में ये हो रहा है, सबसे पहले सिस एकोनिटेट हो रहा है और फिर आइसोसिट्रेट हो रहा है, ठीक है, तो हम सिट्रेट के बाद सीधे भी आइसोसिट्रेट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम तीसरा देखेंगे, इसमें CO2 रिलीज हो रहा है, हमारा ये कोएंजाइम्स लग रहा है NAD प्लस, हमारा NADH में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये दिख रहा है ना, विजिबल है ना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये सब विजिबल है, हाँ। फिर उसको अब देखिए, ये जरूरी नहीं आप इसको गोल में ही बनाओ, सीधे भी बना सकते हो, लेकिन आपको फिर लास्ट में जाके इसको सिट्रेट से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आठवां पॉइंट जो है लास्ट में जाके उसे फिर उसे कनेक्ट कर देना है। तो इसे सर्कुलर में भी बना सकते हो, सीधे जैसे फ्लोचार्ट नीचे ऐसे सीधे बनाते हो वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोए, ठीक है, सक्सिनाइल कोए, ठीक है, पांचवा स्टेप है आपका सक्सिनाइल कोए, तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो सक्सिनाइल कोए के में क्या क्या लग रहा है, CO2 देखिए इधर रिलीज हो रहा है, COA एंजाइम कोएंजाइम लग रहा है, कोएंजाइम ए लग रहा है, फिर हमारा NAD प्लस से NADH में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जिससे हमारा क्या हो जा रहा है, सक्सिनाइल कोए हो जा रहा है, ठीक है। फिर सक्सिनाइल कोए से क्या बन जा रहा है, सक्सिनेट बन जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोएंजाइम ए, ठीक है, इधर कोए दिख रहा है ना COA, तो ये क्या है, कोएंजाइम ए है, ठीक है, और इधर GDP प्लस PI से GTP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारे एनर्जी है बेटा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे एनर्जी है, ठीक है। फिर हमारा क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट के फॉर्म में, ठीक है, सक्सिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर इधर एनर्जी हमारा लग रहा है FAD से FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर हमारा कौन सा बन जा रहा है नेक्स्ट प्रोडक्ट, फ्यूमरेट बन जा रहा है, ठीक है, तो फ्यूमरेट बन जा रहा है,
फ्यूम रेट के बाद क्या बन जा रहा है, इसमें से H2O मतलब वाटर रिलीज हो रहा है और एल मैलेट बन जा रहा है, एल मैलेट बन जा रहा है। फिर एल मैलेट में से क्या हो रहा है, हमारा ये एनर्जी NAD प्लस से NADH रिलीज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है और क्या बन जा रहा है, ऑक्सैलो एसिटेट। ये लास्ट हमारा है ऑक्सैलो एसिटेट, ठीक है। फिर ऑक्सैलो एसिटेट, फिर इसमें से वाटर रिलीज हो रहा है, कोएंजाइम ए लग रहे हैं, फिर पहले वाले स्टेप में आ जाएंगे, क्या है, सिट्रेट में आ जा रहा है, ठीक है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, यही है हमारा और कुछ नहीं है। ये विजिबल है ना, दिखा, पूरा समझ में आया, बताओ भाई। ये स्टेप्स है, ये रटने पड़ेंगे बेटा। एक और बता दीजिए सर। देखो सबसे पहला पाइरूवेट है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए से सिट्रेट पे आ जाइए, वेरियस मतलब एंजाइम्स और एनर्जी बस आपका लगना है, किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट करने में आपका एंजाइम्स और एनर्जी दो चीज लगेगा, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएंगे सिट्रेट पे, सिट्रेट से आपका H2O रिलीज हो रहा है और क्या बन जा रहा है, सिस एकोनिटेट, या ये याद नहीं हो रहा तो सीधे आइसोसिट्रेट पे आ जाइए, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम नहीं एनर्जी लग रहा है, NAD प्लस से NADH और CO2 आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये बन जा रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इसमें अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद कोएंजाइम ए लग रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, NAD प्लस से NADH में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा क्या बन जा रहा है, सक्सिनाइल कोए, ठीक है, सक्सिनाइल कोए बन जा रहा है। अब सक्सिनाइल कोए से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सक्सिनेट में कन्वर्ट करना है। इसमें GTP हमारा सॉरी GDP प्लस PI से हमारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है GTP के फॉर्म में और कोए मतलब कोएंजाइम ए लग रहा है, ठीक है, एंजाइम जो हमारा है कोएंजाइम ए लग रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सक्सिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, जो हम पांचवा लिखे हैं। सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट में कन्वर्ट करना है जिसमें हमारा जो एनर्जी लग रहा है FAD से FADS2 में एनर्जी लग रहा है और वो हमारा फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के बाद हम इसमें से वाटर रिलीज आउट हो रहा है और एल मैलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर एल मैलेट से हमारा लास्ट ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें क्या है NAD प्लस से NADH हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटेट। फिर हमारा प्रॉपर उस पर साइकिल देख रहे हैं, फिर सिट्रेट पे आ जा रहा है, फिर ऐसे हमारा चलते रह रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है इसमें, यही थोड़ा सा आप 3-4 बार बस इसे देख देख के लिखोगे हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें ध्यान देना है कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किस एंजाइम्स के हेल्प से चेंज हो रहा है, किस कोएंजाइम के हेल्प से चेंज हो रहा है, कौन सा उसमें एनर्जी लग रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा GTP GDP ये सारा चीज हम लोग उसमें यूज किए हैं तो उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो देखेंगे। टोटल 8 स्टेप में ये होता है बेटा साइकिल, ठीक है, अभी आप करोगे 8 स्टेप में, नीचे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो शॉर्ट फॉर्म में GTP GDP ADP FAD FADH2 ये सारा चीज लिखा है तो इसे देख लेते हैं क्या होता है। ये GTP guanine triphosphate, GDP guanine diphosphate, FAD flavine adenine dinucleotide, ये मैं कुछ लेक्चर भी उस पर डालूंगा अपने फार्मेसी वीडियो पे तो आप उसे भी देख लीजिएगा, उसमें मैं अच्छे से वीडियो बना के अलग से भी मैं उसमें डाला हूँ तो उसमें देखिएगा जरूर। अभी कुछ वीडियो मैं डाला हूँ, कुछ वीडियो मुझे डालने हैं तो 1-2 दिन में पूरा सारे लगभग एंजाइम्स का मैं उसमें डाला हूँ तो उसमें देखिएगा जरूर, तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो FAD है आपका फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADS2 है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्राइड, FADS2 को कहते हैं। NAD है हमारा निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सारा मैं डिस्कस किया हूँ, FAD क्या होता है, GTP क्या होता है, GDP क्या होता है, FADS2 क्या होता है, उसमें है क्योंकि ये एंजाइम्स से रिलेटेड है तो उसे मैं थोड़ा डिटेल में उसमें डिस्कस किया हूँ। NAD क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर NADH क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एड्राइड,
ठीक है, तो यही है। कुछ लोग हैं बहुत लेट आते हैं भाई। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं टीसीए साइकिल में। सबसे पहला क्या है, सिट्रेट सिंथेटेज होता है। तो सिट्रेट सिंथेटेज में क्या होता है, सिट्रेट बनता है। फिर क्या है आपका दूसरा स्टेप, स्टेप टू में सिट्रेट एकोनिटेज। ये सारे एंजाइम्स हैं बेटा, ये सारे एंजाइम्स के हेल्प से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, स्टेप टू में है सिट्रेट एकोनिटेज। फिर स्टेप थ्री में है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जिससे हमारा क्या बन रहा है, आइसोसिट्रेट बन रहा है। ठीक है, फिर क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, जिससे हमारा क्या बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स बीच में डाल भी सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम्स लग रहा है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, इसको भी बीच में डाल सकते हो। स्टेप सिक्स क्या है, ठीक है, फिर है स्टेप सिक्स है, ये विजिबल है ना, नेक्स्ट पेज विजिबल है। ठीक है बेटा, तो स्टेप सिक्स क्या है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से क्या हो जा रहा है, हमारा सक्सिनेट बन रहा है, जो फिफ्थ स्टेप है आपका। फिफ्थ स्टेप से सिक्स स्टेप में जो कन्वर्ट हो रहा है, आप देखिए सक्सिनेट बन रहा है। तो सक्सिनेट किससे बन रहा है, सक्सिनाइल कोए से हमारा सक्सिनेट बन रहा है। इसमें हमारा एंजाइम लगेगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज लगेगा। ठीक है, फिर हमारा फ्यूमरेज है स्टेप सेवन में। फ्यूमरेज से सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब कन्वर्ट होगा तो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, कौन सा, फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमरेज इधर आप लिख भी सकते हो, ये जो दूसरे वाले तरफ में आप लिख भी सकते हो ये एंजाइम्स लग रहा है। तो ये जो स्टेप है वो आपको आसान हो जाएगा कि ये एंजाइम से आपको स्टेप, अगर आप इस एंजाइम का नाम याद करोगे तो प्रोडक्ट का नाम अपने आप याद हो जाएगा। जैसे फ्यूमरेज से क्या कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा है ना फ्यूमरेज से। ठीक है, फिर ये जहाँ पे सिक्स लिखा है ना, सिक्स सिक्स लिखा है, दिख रहा है वहां पे, उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, फ्यूमरेज, फ्यूमरेज लिख सकते हो, क्योंकि फ्यूमरेज एंजाइम से ही तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ भाई, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो वही बातें हैं बेटा इसमें कि फ्यूमरेज लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब एंजाइम्स हमारा उसमें इन्वॉल्व है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप एट, मैलिएट डीहाइड्रोजिनेज। स्टेप एट में मैलिएट डीहाइड्रोजिनेज, तो हम देखेंगे फ्यूमरेट से जब एल मैलिएट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे क्या लिख देंगे, जहां पे सेवन लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, मैलिएट डीहाइड्रोजिनेज लिख देंगे ना। कोई कंफ्यूजन, बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। फ्यूमरेट से एल में सेवेंथ पे आप अगर देखेंगे, सेवेंथ नंबर पे, तो फ्यूमरेट से एल मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे क्या लिख देंगे, सेवन के जगह पे फ्यूम। सेवन बस इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये छठा स्टेप है, ये सातवां स्टेप है, ये आठवां स्टेप है। ठीक है, तो एंजाइम्स यहाँ पे नहीं लिखा है, तो एंजाइम्स वहां पे लिख सकते हैं। फ्यूमरेट से एल मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा लिखेंगे, मैलिएट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट एनर्जेटिक्स ऑफ टीसीए साइकिल, मतलब जो भी एनर्जेटिक्स लग रहे हैं, जैसे आपका एनएडीएच से एनएडी प्लस, जैसे जो नीचे आप लोग पढ़े हो। ठीक है, ये जीटीपी जीडीपी एफएडी ये सारा चीजें उसमें एज अ एनर्जेटिक्स है। ठीक है, तो वो सारे उसमें ऐड कर दोगे। देखो लिखा भी है एनर्जेटिक्स कौन कौन सा लग रहा है, थ्री एटीपी, ये सारा मतलब स्टेप्स वाला जो सारा उतार देना है और कुछ नहीं, कि इस स्टेप में ये हमारा एनर्जेटिक्स लग रहे हैं। ठीक है,
तीसरा 13th वन था आपको उसमें लिखा है ओवरऑल टीसीए साइकिल प्रोड्यूस 2CO2 मॉलिक्यूल एंड जनरेटेड 12 ATP. इन सभी को एटीपी को जोड़ोगे तो 12 ATP दिखेंगे और 2 CO2 मॉलिक्यूल दिखेंगे. हेंस 2-acetyl कोए प्रोड्यूस टोटल एनर्जेटिक आपका जो ओवरऑल बन रहा है 12 × 2 मतलब 24 एनर्जी बन रहा है. एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, 8 ATP बन रहा है. ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट में 6 ATP बन रहा है, मतलब पूरा हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, यही है. फिर देखो हमारा रिएक्शन इसमें बताया गया है कि क्या होता है, ग्लूकोज से हमारा ऑक्सीजन जब मिलता है तो 6O2 + 8 6H2, ये एक रिएक्शन है नॉर्मल सा, इसे उसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. फिर नीचे सिग्निफिकेंस मतलब टीसीए साइकिल का क्या क्या जरूरत होता है हमारे उसमें, सिग्निफिकेंस हमारे मतलब जरूरत क्या क्या है. तो सबसे पहला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. दूसरा है इससे एटीपी का जनरेशन होता है. तीसरा है फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, जो हमारे बॉडी में जो कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है उसका एक तरह से डिटर्मिनेशन हो जाता है. चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे. इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा होना, जो मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है उसका इकट्ठा होना, मतलब सारे मेटाबॉलिक पाथवे वो उस टाइम फंक्शनिंग में आ जाते हैं. आप देख रहे हो ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म ही है. मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो एक केमिकल दूसरे केमिकल के फॉर्म में होगा, कन्वर्ट होगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तभी तो हो रहा है. तो इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक मेजर मेटाबॉलिक पाथवे मतलब सारे मेटाबॉलिक पाथवे का इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सारे काम कर रहे हैं. चौथा पांचवा है फैट इज बर्न्ड ऑन द विक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो फैट का बर्निंग होता है, मतलब फैट कंज्यूम होता है, मतलब एनर्जी कंज्यूम होता है. फिर है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड एज न्यूट्रल फैट, जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो न्यूट्रल फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही न्यूट्रल फैट बाद में एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का दूसरे फॉर्म में न्यूट्रल फैट के फॉर्म में स्टोरेज होता है. ठीक है, फिर है नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, मतलब फैट से किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस या फॉर्मेशन नहीं होगा या कन्वर्जन नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड फाइनली एंटर्स द टीसीए साइकिल, जो कार्बन स्केलेटन है अमीनो एसिड का वो टीसीए साइकिल में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, अब ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का ये बताएगा, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस. ठीक है, तो बात करेंगे एचएफपी शंट इसे कहते हैं. ठीक है, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP. ठीक है, या फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेशन पाथवे शंट इसे. तो कुल मिला जुला के एचएफपी शंट या पीपीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अगर आता है तो उसे क्या कहते हैं, एचएफपी शंट कहते हैं और यही लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं, दिस इज अल्टरनेटिव पाथवे. अल्टरनेटिव पाथवे होता है किसका, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का. ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है. अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है तो जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहला हम लोग पढ़े थे वैसे नहीं होता है तो ऐसे हो जाता है. ठीक है, दिस पाथवे ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर. लिवर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है एडिपोज टिश्यू एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स थायराइड टेस्टिस एक्सेट्रा. ये पाथवे इन सारे पार्ट्स में होते हैं, सबसे पहला लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रीनल कॉर्टेक्स में, थायराइड में, टेस्टिस में और भी बहुत सारे में. ठीक है, तीसरा है दिस पाथवे इज मोर एनाबोलिक इन नेचर, मतलब एनाबोलिक मतलब एनर्जी देने वाले. ठीक है, चौथा है दिस प्रोसेस इज नोन एज शंट बिकॉज द स्टार्टिंग मटेरियल इज बीइंग डाइवर्टेड इन सम अदर पाथवे फ्रॉम मेन स्टेप, मतलब मेन स्टेप इसलिए क्योंकि इसमें एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन लगेंगे
या एक एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी बना रहा है, ठीक है। लिखा भी है दिस प्रोसेस इज नोन एज शंट बिकॉज द स्टार्टिंग मटेरियल इज बीइंग डाइवर्टेड, मतलब जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्टेड इन सम अदर पाथवे, मतलब उससे हो सकता है जो दूसरा वाला केमिकल बन रहा है वहां से दो पाथवे कन्वर्ट हो जा रहा है, दो केमिकल बन रहा है या उस केमिकल से या उस प्रोडक्ट से दो पाथवे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे शंट कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम मेन स्टेप, मेन स्टेप से दो पाथवे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो इसे शंट कहते हैं। इट हैज टू डिस्टिंक्ट स्टेप, पहला ऑक्सीडेटिव स्टेज और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज, तो दो में है कन्वर्ट हो रहे हैं इसलिए शंट कहते हैं, तो दो स्टेप में होते हैं आपका ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है ना, ये जो पूरा ये स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें चेंज होगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो, ये कौन सा साइन है ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, सिग्मा है क्या, सिग्मा लैक्टोन, इसे एक बार साइन को जैसा देखिएगा, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लग रहा है, एनएडीपी प्लस लग रहा है, एनएडीपीएच हमारा एनएडीपी से हमारा एनएडीपीएच प्लस एच प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। तो 6 फॉस्फो ग्लूकोनो सिग्मा लैक्टोन है, ठीक है। फिर इसमें लैक्टोनेज अगर लग जा रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वाटर मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट हमारा है, तो फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डी राइबोज राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिस किस एंजाइम के हेल्प से, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ध्यान रहे एंजाइम्स जरूर लिखिएगा। तो 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डीहाइड्रोजिनेज के हेल्प से और उसमें से CO2 रिलीज हो रहा है और इधर हमारा एनर्जी लग रहा है, तो डिक्स डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है नीचे, डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट के नीचे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है ना, है कि नहीं भाई, दिख रहा है ना, हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो फॉस्फो पेंटोज आइसोमेरेज, फॉस्फो पेंटो आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, डी राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, मेन रिएक्शन दिखा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 2NADP प्लस H2O से राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, सेम वही बता रहा है, ठीक है।